ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। अंकल के साथ यहाँ जुमा पढ़ने आए हैं, तो इंशाल्लाह कल मेरी लंदन वापसी है। अभी थोड़ी देर बाद आपको एक इंटरव्यू अंकल का स्पेशल दिखाने वाले हैं, तो साथ जुड़े रहें हमारे। अरे यहाँ जुमा को जल्दी बात है, ठीक है। हाँ जी जनाब, टैक्सी का इंतजार हो रहा है और अब देखते हैं कब मिलती है टैक्सी। फिर आपके साथ स्पेशल प्रोग्राम है थोड़ी देर के बाद अपना अगर साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम अन्ना जीन, आज एक स्पेशल प्रोग्राम है आगा साहब के साथ। पहले तो और बातें होती रही, आज मैंने कहा क्योंकि इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सैर की हुई है, क्यों ना इस मौजू पे बात की जी आए। आज मोराको में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसका मकसद ये था कि मोराको पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एहसान है, और वो कैसे हुआ ये आज आगा साहब हमें बताएंगे, क्योंकि इसमें आज आप देखते हैं कि मोराको की आज़ादी जो है, अगर आप हिस्ट्री पढ़े इनकी तो आपको पाकिस्तान का नाम मिलता है जी। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आगा साहब क्या हाल है? अल्लाह का फजल आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह। आगा साहब ये बताइए कि कितने ममालिक की सैर आपने की? मैंने तकरीबन सारी दुनिया की सैर की है और 7 वंडर सब देखे हैं मैंने। अच्छा। दुनिया के सब वंडर देखे हुए मैंने, और ट्विनस मोराको इन जगहों पे मैं रहा हूँ पहले भी। अच्छा, बहुत हुआ था। अच्छा, एक जो आज प्रोग्राम का मकसद था वो ये था कि मोराको जो आज लोग आज़ादी की ज़िंदगी यहाँ पे बसर कर रहे हैं, ये फ्रांस की कॉलोनी थी बकायदा तौर पर, जिस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान ब्रिटिश कॉलोनी। हाँ जी, बिल्कुल। और इसमें ये कहा जाता है कि पाकिस्तान का बड़ा अहम करदार है जी, वो आज हमारे देखने वालों को आप ज़रा बताएंगे जी। वो चौधरी जफरुल्लाह खान साहब पहले फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के जी, वो यूएनओ में थे, तो उस वक़्त क्योंकि ये फ्रांस की कॉलोनी थी, इनका जो नुमाइंदा था वो स्पीच करना चाहता था कि हमें आज़ाद करें मोराको का। हाँ जी, 1952 में जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं है बोलने का, क्योंकि तो तुम फ्रांस की कॉलोनी हो। सर जफरुल्लाह खान वहाँ मौजूद थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई कि एक मुसलमान के साथ किस तरह सलूक कर रहे हैं ये लोग। तो चौधरी साहब ने उनको बुलाया अपने पास, और रात को उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया गया और कहा कि सुबह आप पाकिस्तान के फ्लैट से खड़े होकर बात करें। अच्छा। तो चौधरी साहब ने उन्होंने उनके जो फॉरन उनके जो अहमद बिल फराज जो थे बिल फरेज पहले फॉरन मिनिस्टर थे इस मुल्क के, उन्होंने दोबारा स्पीच की तो मुल्क आज़ाद हो गया। अच्छा। उसके बाद 1956 से इनको आज़ादी मिली। तो उसके बाद वो जो फॉरन मिनिस्टर बन गए, उन्होंने अपने ऑफिस में पाकिस्तानी पासपोर्ट की तस्वीर रखी हो, पासपोर्ट रखा होता था, और वो सब आने वालों को बताते थे कि सर जफरुल्लाह खान ने और ये पाकिस्तानी पासपोर्ट ने हमें आज़ाद करवाया है। वाह। तो बड़ी जब तक वो जिंदा रहे वो बताते रहे, तो उस मुल्क को पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है इसमें इनको आज़ाद करवाने में। अच्छा, आज अगर इस मुल्क की बात की जाए, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको ये पूछा था जी कि यहाँ पे बादशाही निज़ाम है, मगर बादशाह ने अपनी आवाम को बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है। जी जी, बिल्कुल। हर चीज़ यहाँ पे मिलती है और सस्ती है। सस्ती। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या वजह हुई कि ये तमाम ममालिक आगे निकल गए मगर हमारा जो पाकिस्तान है वो वहीं का वहीं रहा? क्योंकि पाकिस्तान की सियासत आप अयूब खान के ज़माने तक आपका मुल्क A1 था। अच्छा। पाकिस्तान के, और अयूब खान की भी बड़ी इज्जत थी दुनिया में। उसके बाद जब आपकी दूसरी गवर्नमेंटें आई हैं, प्राइवेट लोग आए हैं, तो आपको पता ही है भुट्टो साहब ने इन्होंने जो किया है तो अच्छा नहीं किया मुल्क के साथ, बहुत ही ज्यादती हो रही है आपके मुल्क की, महंगाई इतनी ज़्यादा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, और रूल एंड रेगुलेशन ख़त्म हो चुका हुआ है पाकिस्तान में। अल्लाह ही हाफिज़ है उनका, तो कुछ सही नहीं है। मैं टूनेजिया भी गया, वहाँ के जो प्रेजिडेंट थे उन्होंने कहा कि जफरुल्लाह खान ने हमें आज़ाद करवाया है, और वहाँ वो बच्चों के नाम भी जफरुल्लाह रखते हैं, यहाँ पर मोराको में भी बच्चों के नाम जफरुल्लाह रखते हैं ये लोग।
तो पाकिस्तान के तो मैं समझता हूँ अल्लाह ही हाफिज है, कोई अच्छा हालात नजर नहीं आ रहे, पता नहीं अल्लाह ताला फजल फरमाए, नजर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, चौधरी सैफुल्ला खान साहब का बड़ा नाम है, मैंने जर्मनी में भी मुख्य लोगों के साथ प्रोग्राम किए। जी जी, उनका एक मकाम था वो जो यूएनओ की अदालत थी, वहाँ के वो जज भी थे, और उसके अलावा भी उनकी बेशुमार ऐसी चीजें हैं फलस्तीन के बारे में भी है, और भी चीजें हैं। जी, 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 जी। उसके बाद किसी वजीर खारजा का नाम पाकिस्तान का जो भी है लिया नहीं जा रहा। नहीं लिया जा, लिया लाएगा भी नहीं। अच्छा, सैफुल्ला खान आज तक दुनिया में पहले मुसलमान है जिन्होंने दो जॉबे किए, आज तक कोई नहीं कर सका। वो एक तो वो जज थे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। अच्छा, फिर वो प्रेजिडेंट थे यूनाइटेड, वहाँ पे हॉलैंड में जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेजिडेंट थे जी। फिर यूएनओ में वो सेक्रेटरी थे जी। आज तक ये जॉब में कोई नहीं कर सका, दो जॉब में आज तक कोई नहीं कर सका। चौधरी साहब की जब पैदा हुए उनकी वालदा को ख्वाब आया था कि मेरा बेटा दुनिया का जज बनेगा। अच्छा, माशाल्लाह, बिल्कुल। उनकी किताब है माई मदर। अच्छा, अगर कोई आदमी पढ़े वो किताब तो उससे आपको पता चलेगा कि चौधरी साहब के अपने माँ बाप की कितनी खिदमत किया करते थे, और उनकी दुआओं से वो कहते थे कि मैं यहाँ पहुँचाऊँ अपनी वालदा की दुआओं से। चौधरी साहब को तो इतने वाकयात हैं, ही वॉज वेरी सिंपल मैन, वेरी वेरी सिंपल मैन। उनको $56,000 पेंशन मिलती थी, $56,000। अच्छा, $56,000। वो $300 रखते थे, बाकी सब चैरिटी देते थे। क्योंकि मैं कैनेडा में रहता रहा हूँ बहुत साल, तो कैनेडा में अक्सर स्टूडेंट आया करते थे पढ़ने के लिए मैकमास्टर यूनिवर्सिटी में। वो कहते थे हमारी फीसें चौधरी सैफुल्ला खान साहब देते हैं, हम कभी मिले भी उनको नहीं आए। तो चौधरी साहब की तो बहुत खिदमतें हैं, बहुत खिदमत, उन्होंने बहुत खिदमत की है दुनिया में। अल्लाह ताला उन पर जन्नत नसीब करे। आमीन। अच्छा, मुझे भी एक दोस्त मिले जी, वो कहने लगे कि मैं नमाज जुमा के लिए गया जी, तो मेरे पास आके एक आदमी है उसने नमाज शुरू कर ली, तो मैंने देखा तो वो चौधरी सैफुल्ला खान साहब थे जी। तो मैंने कहा आपको ये आप पहले जगह ले लें, मैं बाद में, उन्होंने कहा नहीं आप पहले आए हैं, आपका हक क्या पहले ना। तो कहते कि हमें सख्त जगह मिल गई, तो उन्हें नीचे मिली, उन्होंने नीचे नमाज पढ़ ली। बिल्कुल सही है। तो ये सादगी का उनका मियार था, और भी बेशुमार प्रोग्राम हमने किए, बेशुमार मसाले। अच्छा, आप ये बताइए कि हमारे लोग पाकिस्तानी जो हैं वो दूसरे ममालिक में जाके देखते हैं कि मुल्क कहाँ किसे कहाँ पहुँच गए, आप भी निकले हुए हैं साथ राह से, हमने अपने आप को तब्दील क्यों नहीं किया, कोई हमारी हम ईमानदार कौम नहीं है या नहीं, क्या है? कोई वजह यही है कि हम लोग डिसऑनर्ड लोग हैं और हम दूसरे मजहबों को वहाँ पे बहुत तंग करते हैं पाकिस्तान में स्पेशली। आपके मौलाना जो हैं वो अक्सर जो हैं वो दूसरे मजहब को ऊपर आने नहीं देते, जॉब नहीं देते। गलत है ना, गलत नहीं होती ना, एवरी बॉडी ह्यूमन बींग, यू हैव टू राइट टू लिव। अगर आप नेशनल उस मुल्क के तो आपको भी वही राइट है जो मेरे हैं। वन शुड बी लाइक दैट। ये तरक्की मुल्क इसलिए कर गए हैं कि ये मजहब के मामले में दखल ही नहीं देते। अमेरिका कैनेडा जर्मनी यूरोप वो कहते हैं काम करो 8 घंटे अपने घर चलो, हमें कोई मजहब से तलक नहीं है, और इसलिए वो तरक्की याफ्ता कौम में है और दे आर ऑनेस्ट है। हम कहते हैं घर ना चले जाओ, दूसरे के काम में टांगड़ाओ। हमारा काम है कि दूसरे के काम को खराबी करो, मतलब ये गलत है। हम लोगों में ये चेंज पैदा होना चाहिए और देन वी कैन सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, अगर हम कोशिश करें तो। मगर बड़ा समय नहीं आती पाकिस्तान का, तो बड़े आप आखिरी दफा पाकिस्तान कब? मुझे काफी 10-15 साल हो गए हैं। अच्छा, तबीयत खुश होती है जाके? नहीं नहीं नहीं, मैं दोस्त बहुत उन्होंने रोक के लूट लिया। क्यों? मुझे मैं घर जा रहा था तो मोटरसाइकिल पर लड़का आया, अंकल, मैंने कहा हाँ, कहते अंकल ये एड्रेस बताएं। मैंने कहा यार मुझे पता नहीं है, मुझे पेट्रोल लगा देंगे आप। अच्छा, कहता निकाल दें सब कुछ। तो मैंने कहा ये जेब ये लो, मैंने निकाले पैसे, और छोटा था मेरे पास फोन था, कहते अंकल ये आपने क्या रखा हुआ? अच्छा, मैंने उसे वापस डाली, कहता ये नहीं मुझे चाहिए, तो चला गया। वहाँ तो आप सेफ नहीं है बिल्कुल, वहाँ तो बहुत फोन क्यों वापस रख दिया कि ये कोई फोन नहीं है, ये कोई वैल्यू नहीं है इसकी। अच्छा, उसकी इंसल्ट हो रही ये फोन भी लेना उसकी इंसल्ट थी। देखो चोरों का भी एक मियार है हमारे मुल्क का, हमारे चोरों का भी मियार, आपकी बात ठीक है। फकीरों का मियार है। यार राइट, मुझे याद है 96 में मैं पाकिस्तान गया, तो वो मैंने कहा मेरे पास टूटे पैसे नहीं, फकीर को कहा, कहता हम डॉलर यूरो भी मारक होते थे, कहता हम मारक भी ले लेते हैं। ये सहूलत है आपके लिए, बहुत ही बुरा हाल है। अल्लाह ही फजल करे, नजर नहीं आ रहा, खुदा ही को फजल करे कोई चेंज आए इस मुल्क पे। मुल्क बड़ा अच्छा है, एवरीथिंग इज देयर, मगर अब क्या किया जाए,
कुछ नहीं। अच्छा आप समझते हैं सियासतदानों का कसूर है, और किसी का कसूर? पब्लिक भी सारी खराब हो गई हुई है, आपके मुल्क में इतनी बेहयाई हो गई है कभी होती नहीं थी। इतनी अच्छा मुल्क था आपका, हर चीज अच्छी थी, ऑनेस्टी थी, अब ऑनेस्टी रही नहीं, बगैर रिश्वत के काम ही कोई नहीं होता उस मुल्क में। वो खा क्लर्क हो, बड़ा अफसर हो, एवरीबॉडी वहाँ कैनेडा में रहते हैं, वो तो वजीर आजम बड़ा सादा तबीयत का है, सब लोग वहाँ पे सारे वहाँ पे आते हैं, वो तो सड़कों पर घूमता रहता है। जस्टिन ट्रूडो तो हमारे हमारे तो सवाल ही बताओ, आपके तो 50 बॉडी गार्ड होंगे। अच्छा ये तमाम मुसलमान ममालिक में, सब मुल्क में, हाँ मुसलमान सब मुल्कों में यही हाल है। और मैं बादशाह को मिलने गया था यहाँ पे। हाँ ये बताइए किस्सा। मैंने चौसा की किताब में गिद्ध जनी थी, चौसा ने बड़ी किताबें लिखी है। अच्छा उनकी एक किताब है दी से नेमत जी, उसमें बड़ी जिक्र है सब मुल्कों का। उसके बाद उनको लिखी थी इस्लाम, उनको लिखी थी ह्यूमन इस्लाम एंड ह्यूमन राइट्स। अच्छा और मेरी वालदा, ये सब किताबें मैं बादशाह को मिलने गया देने के लिए। पिछले हफ्ते मैंने खत लिखा था उनको कि मैं एसेट में मिलना चाहता हूँ, ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छा तो मैं गया पिछले हफ्ते मिलने। कितने किलोमीटर गए आप? मैं तीन चार घंटे की ड्राइव थी। अच्छा फिर वहाँ गया तो वहाँ बादशाह से मुलाकात नहीं नहीं हो सकी, नहीं हो तो मिल ही सकते, किसी को भी नहीं मिल सकते वहाँ पे। इतनी सिक्योरिटी है और इतने है कि आप, मैं 10 आदमियों को मिलाऊँ वो फिर भी मुझे कह लगे आपकी किताबें हमें दे दें, उनका सेक्रेटरी कह लगा किताबें मुझे दे दें, हम लोग बादशाह को प्रेजेंट कर देंगे। अच्छा मैंने कहा ठीक है, मेरे पास और कुछ गिफ्ट था, मैं एक बड़े स्पेशल कफ लिंक थे वो मैं बादशाह को गिफ्ट देना चाहता था। और एक कैनेडा की एक चीज़ है उसका नाम है मेपल सिरप। अच्छा वो दरख्त है मेपल का, उससे सिरप निकलता है जी, वो एक काइंड इन द वर्ल्ड, वो मैं गिफ्ट लेके गया। मैं वापस आ रहा था तो मेरा ख्याल कोई आधा पौना घंटे का सफ़र कर चुका था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप वापस आए। अच्छा वापस गया, कह लगे ये गिफ्ट आप वापस ले, ये हम नहीं देंगे बादशाह। अच्छा क्योंकि आपने सिर्फ खत में जिक्र नहीं किया। मैंने कहा अच्छा मैं वापस ले आया, सख्ती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इनका मतलब ये क्राइम नहीं है इस मुल्क में। अच्छा ये क्राइम नहीं होने की वजह आज मैं आपको बता देता हूँ, मैंने इस पर पता किया, होता ये है कि जो भी बंदा एयरपोर्ट पर आता है उसको वहाँ पर एक एड्रेस दिया जाता है, चाहे डाल देने वहाँ एड्रेस जब आप दे देते हैं तो फिर जहाँ आके आपने रहना है वहाँ का भी एड्रेस देना पड़ता है, जिसके पास रह रहे हैं होटल है या कोई प्राइवेट रहायश है जी, तो वो पुलिस को बताना पड़ता है कि मैं यहाँ पे रह रहा हूँ ऐसे ही जी, बिल्कुल। और फिर आप अगर रहायश तब्दील करते हैं जी तो जिसके घर रह रहे हैं उसने इतला करनी है कि ये यहाँ से चले गए। जी जी बिल्कुल। फिर आप जहाँ पे गए हैं वहाँ का आपको रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती, वरना पुलिस घर आ जाएगी और फिर वो पूछेगी कि आपने बताया कोई नहीं। जी जी। जुर्माना कोई नहीं है मगर नहीं है इन्फॉर्मेशन है मगर वो अखलाकी तौर पे बड़े अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से बोलते हैं, डिटेक्टिव बोलते हैं, पुलिस नहीं प्राइवेट कपड़ों में आते हैं। अच्छा मेरे आए हैं जहाँ मैं मूव हुआ हूँ। अच्छा तो आए थे उन्होंने कहा बताएं जरा क्या वाकया था, लोग जो हैं उनको पता रहे ना। मैं दोस्त के पास ठहरा होता व्हाट्सअप के पास, तो वहाँ से मैं दूसरी का मूव हुआ तो दो दिन तीन बार वो पुलिस वाला आ गया डिटेक्टिव, तो वो जिनके घर में ठहरा हुआ था उन्होंने पूछा क्या बात है, कहेंगे आपका पास यहाँ आदमी ठहरा, उन्होंने कहाँ ठहरा। मैं नीचे आया तो उससे दो दिन पहले मैं उनकी बेटी को लेके पुलिस स्टेशन गया था, वहाँ मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी। अच्छा तो वह मेरे पास कापी थी रजिस्ट्रेशन। अच्छा तो वो पुलिस वाला आया, मैंने उससे कापी दिखा दी, मुझे कहा ठीक है बट वो कार्रवाई की उसने। अच्छा करके तो चला गया, फादर नहीं करते लेकिन हर बंदे पर नजर है, हर बंदे पर। और इसी वजह से यहाँ की पुलिस के पास से कोई असला नहीं है, माम के पास भी असला नहीं, हमारे तो पाकिस्तान में पुलिस के पास वो असला नहीं है जो माम के पास है। नहीं यहाँ कितनी बात ही, अगर आपसे गन निकलाएगी अब वो दोबारा मिलेगा नहीं कोई। हाँ बहुत सख्ती है और पानी पी लो, क्राइम ही नहीं है, क्राइम नहीं है यहाँ पे, मुझे भी कोई क्राइम नहीं है। आप पुलिस की गाड़ी नहीं देखते कोई भी, हाँ मुझे नजर नहीं आती पुलिस की, आप पुलिस नहीं देखते कहीं भी, कहीं नजर नहीं आती, सिर्फ सिटी वगैरह में है। बड़ा इंतजाम है इनका, बड़ा अच्छा है। हाँ जी ये लोग बड़े और महंगा नहीं है, सस्ता है मुल्क, सस्ती चीजें हैं यहाँ पे और सफाई बहुत है, सफाई बहुत है, वेदर बहुत अच्छा है, सफाई है, हाँ वेदर बहुत अच्छा है, हाँ मौसम बहुत जनाब आशकाना है, अंकल को तो मौसम आशकाना रास्ता आ गया, बिल्कुल बिल्कुल सही मौसम है, बेहतरीन फसल ले 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 खाए भी खा दूंगा। अच्छा ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहे हैं
कि पाकिस्तान के जो अजीम रहनुमा थे उनकी वजह से दूसरे मुल्क आगे निकल गए जी, और हमारा मुल्क वहीं का वही वहीं का वहीं का आप देखे और नीचे चला गया, वहीं का नहीं है और नीचे चला गया। आप बांग्लादेश बांग्लादेश को देखें आप, बिल्कुल आपके बाद में आजाद हुआ है, कहाँ पहुँच गया वो। ये बात आपकी दुरुस्त है, आपको शर्म आएगी कि हम पीछे जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और ये देखो जिनके लिए हमारे रहनुमाओं ने कुर्बानियां दी, पासपोर्ट इशू कर दिए, और उस पासपोर्ट की वजह से आज ये लोग आजादी की जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम आज भी गुलाम हैं। हम वडेरों के गुलाम हैं, हम जगीरदारों के गुलाम हैं, हम कौमों के गुलाम हैं, हम बड़ी ताकतों के गुलाम हैं, उसके अलावा आप देख ले सियासतदानों के गुलाम हैं। बिल्कुल। अगर बेनजीर मरेगी तो उसका बेटा चाहे वो निकम्मा ही हो, वो हमारे सरबराह होगा। अगर नवाज शरीफ बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी बेटी जो है वो आके हमारे सर पर बैठ जाएगी। सब लोग गरीब लोग थे। फजल रहमान है, उसका बेटा आ जाएगा, ये नस्ल दर नस्ल जो है हमारे ऊपर गवर्नमेंट करते चले जाएंगे। बिल्कुल। आप देखें ये लोग कौन थे, सब ये लोग सब गरीब है। हाँ, ये जितने भी थे ये आपके नवाज शरीफ वगैरह ये बीडन रोल लाहौर में रहते थे, बीडन रोल लाहौर में रहते थे, और ये लोग गरीब थे। इनको अमीर मोहम्मद खान इनके बाप को ठेका दिया होता है, अमीर मोहम्मद खान ने इनको लगाया, इसके बाद इसके बाप के पास पैसे भी देखे, सामान खरीद सके। अमीर मोहम्मद खान ने इनको पैसे भी दिए, जाओ सामान लाओ। तो ये लोग, तो ये जो आपका है इमरान खान, ये खानदानी अमीर आदमी है, पीछे से ये लोग पढ़े लिखे हैं, मैं इनके खानदान को जानता हूं। अच्छा, एक बड़ा आजकल इशू चला हुआ है, ये बढ़िया लड़कियों के साथ ऑडियो शोडियो चल रही है, इमरान खान की भी और ये मरियम की भी, ये ऑडियो ऑडियो गंदी वीडियो यही रह गया हमारे पास, और यही रह गया। ये देखो जो आप क्यों डिग करते हो। हाँ जी, किसी के वाकया डिग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आदमी अच्छा है तो यू शुड थैंकफुल टू हिम। अच्छा, ये यूरोपियन भी ऐसे करते हैं कनाडा में, वीडियो बना ली, ऑडियो बना ली? नो 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 नो, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं हमने वहाँ पे। ये मुसलमान हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान कोई काम मुसलमान, कोई काम मुसलमानों का काम ही नहीं है, सिर्फ नाम ही इस्लाम का, काम है ही कोई नहीं। तो आपका दिल चाहता है कभी पाकिस्तान जाने? नहीं नहीं, आप मैं तो यही रहूंगा मराको में। अच्छा, आप पाकिस्तान को कितने नंबर देते हैं कि जो तरक्की की है 100 में से? तरक्की की नहीं, तरक्की की कहाँ पे तरक्की, तरक्की बताए की कौन सी तरक्की। अच्छा, मराको को कितने नंबर देते हैं? मराको का मुझे इतना इलम नहीं है, क्योंकि नहीं, लेकिन आप ये माहौल देख के तो। हाँ, माहौल देखकर मैं कहता हूँ नंबर वन, जस्ट लाइक कैनेडा उस लिहाज से, लेकिन सफाई के लिहाज से, सफाई के भी ऑनेस्टी के लिहाज से भी ये भी ठीक है। हाँ, इतने बुरे नहीं है ये, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरे, वहाँ तो हर आदमी काट रहा है, भाई भाई को काट रहा है, कुछ कुछ फेरे नहीं करता। अच्छा, एक चीज मैं बताऊँ अपने नाजरीन को कि आज हम तीन दोस्त थे, ये अपने एक और दोस्त भी हमारे साथ, तो वो टैक्सी लेनी थी, यहाँ तीन लोग, आप जो छोटी टैक्सी है सगीरा उसमें बड़ी कबीरा जो छोटी टैक्सी है उसमें तीन लोग बैठ सकते हैं। अब होता ये है कि अगर वो चाहे तो चार पांच भी बैठा सकता, मगर कानून ने इन्हें कहा हुआ कि तीन, तो कानून के मुताबिक चलते हैं। जी जी, हमारी तरह नहीं है वहाँ पे, ये चीजें इसलिए आपको बताते हैं कि हमें भी सीखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क की कोई इंसल्ट हो, मगर इज्जत इंसान जो है वो जो बनाने चाहते, जिस तरह इन ममालिक ने बनाई, यूरोप ने बनाई, तो वो फिर बताना नहीं पड़ता कि हमारी इज्जत की जाए, लोग खुद ब खुद करते इज्जत, ये ऐलान नहीं करना पड़ता। क्यों जी? जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और कोई बातचीत करनी चाहिए? क्योंकि सुबह मैं वापस चला जाऊंगा, मगर बड़ी मेहरबानी आपकी, इधर ही अपने आगा साहब, तो आगा साहब तो ऐसे ही है वो, जैसे फिल्म नहीं, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, वो वाला हिसाब बना हुआ कि मैं यहीं रहूंगी। बेहतरीन जगह जी, यहाँ मैं तो कह रहा हूँ जो बुजुर्ग आदमी है, ये देखिए शाम का वक्त है, 4:15 हुए हैं यहाँ पे। जी जी, तो मौसम जबरदस्त है, धूप निकली हुई है, ये कॉफी शॉप पे बैठे हुए हैं। जी जी, आज जुमा था, नमाज पढ़ी है, फिर आगा साहब के साथ इनके मोहल्ले में आए हैं, यहाँ आगा साहब का मैंने कहा एक प्रोग्राम भी कर लेते हैं, और साथ गपशप भी लगा लेते हैं। साथ ये सर जफुल्ला खान साहब के बारे में आपको ये मालूमात देनी थी कि सर जफुल्ला खान साहब को लोग किस तरह याद करते हैं। एक छोटी बात याद आ गई अभी जी, सर जफुल्ला खान साहब प्रेजिडेंटों को, क्वीन को जिसको चाय मिल सकते थे। हाँ, मलका को जब मिलने गए हैं लंदन, तो मलका मिली उनको, तो चौसा ने कहा उसे कि मैं जा रहा हूँ, देखा क्यों? एक बात है कि जब आप इन लोगों को मिलते हैं, बड़े लोगों को, आंख से आंख बात के करते हैं, कभी इधर उधर नहीं देखते, कभी घड़ी नहीं देखते कि टाइम क्या हुआ है। तो चौसा ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, उसे कहा कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं एक और हस्ती को मिलना जो तुझसे ही बड़ी है।
तो उसको बड़ी परेशानी हुई कि मैं मलका हूँ, मुझे ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा मेरा नमाज का टाइम हो गया, मैंने नमाज पढ़नी है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो चले गए। तो उस वक्त उसने सेक्रेटरी को बुलाया, उसने कहा जानवर ला कर रखो यहाँ पे, अगर ये फिर कभी आए तो जानवर दो चाहे कहीं नमाज पढ़ेट में कौन आदमी ऐसे कर सकता है। बिल्कुल, तो अल्लाह ताला ने क्यों साहब को बड़ी इज्जत दी हुई। बिल्कुल जी, आज देखे फलस्तीन का देख ले, आप जहाँ पे बैठे हुए यहाँ का देख ले, पाकिस्तान का उस वक्त मकाम देख ले दुनिया में। एक और बात याद आ गई, अच्छा पाकिस्तान का नाम लिया आपने, कायद आजम साहब, ये सुल्ला खान साहब भोपाल जगह है इंडिया में, ये भोपाल भोपाल वहाँ पे ये थे। अच्छा, उसके किंग के पास काम करते थे। कायद आजम ने अपनी कैबिनेट से कहा कि सुल्ला किधर है जी, उन्होंने कहा जी वो तो वहाँ पे, उन्होंने खुद को क्या किया कायद आजम ने कहा तो आओ जी, ये आए। उन्होंने कहा कौन सी जगह, उन्होंने कहा जो आप कहेंगे मैं वो करूँ। काजल ने कहा जो आप कहेंगे, उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम फॉरन मिनिस्टर। उन्होंने कहा ठीक है, वो फॉरन मिनिस्टर बन गए। अब वो कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, नाजुद्दीन लियाकत अली खान सब बैठे हुए थे। इन्होंने कहा काजल साहब से जब देखो तो भुला खान यहाँ नहीं होता है जी। काजल को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा यू लिख माई शूज, कि तुमने मेरी मिनट की जॉब के लिए, मैंने उसे बुलाया था। इतनी इज्जत दी उन्होंने काजल साहब ने, उन्हें कहा तुम सब ने मेरी मिनटें की हैं, उसको मैंने बुलाया था कहीं तक, तो वो कितनी बड़ी ऑनर थी और बड़ा मकाम था, बड़ा मकाम पाकिस्तान की बड़ी इज्जत थी, बड़ी इज्जत थी। आपको किसी मुल्क में जाने के लिए वीजा नहीं लेना पड़ता था। बिल्कुल बिल्कुल, आज कोई मुल्क वीजा ही नहीं देता, देता तो पासों को वीजा ही कोई देता। मैं वो सोशल मीडिया पर देख रहा होता हूँ, अगर जनाब आपने मिस्र जाना तो हमारे साथ रब्ता करे, तुर्की जाना हमारे साथ रब्ता, तो यार ये मुल्क है, ये आपके पास कनाडा का पासपोर्ट है, आपको कभी वीजे की फिक्र ही नहीं होगी। फिक्र ही कोई नहीं। चले जी, जान हो गई है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, कोई गलती हुई तो माफी दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह।